हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप सब लोगों ने जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे निमसेट 2019-20 स्टूडेंट्स ने, और जो 2021 वाले हैं या 22 वाले, उन सबको लेके सबसे नंबर वन ऑनलाइन जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और रेगुलर जुड़ते जा रहे हैं, तो जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए इस बार, क्योंकि 2019 का पेपर थोड़ा डिफरेंट पेपर था, तो हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, किस ढंग से वो आपको पढ़ना है। देखिए, अभी तक जो निमसेट के पेपर्स आते थे उसमें एक चीज़ थी कि काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर थे, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको अलग से कुछ स्टडी करनी जरूरत थी, पर इस बार बहुत कंसेप्चुअल पेपर था, तो इसका मतलब है हमें पीछे से जाके पढ़ाई करनी होगी। पीछे से जाके मतलब, देखिए, जब लंबी जंप मारना हो तो जितने पीछे से भागोगे उतनी लंबी जंप लोगे, वही चीज़ है। यानी इस बार आप लोगों को 9th-10th की बुक भी कवर करना चाहिए, और वो कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी बताना चाहूँगा। नंबर वन, पहले सभी ओल्ड स्टूडेंट को एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जब फ़ोन करते हैं और ऑफिस में पूछते हैं अपडेटेड कोर्स की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोर्स ऑलरेडी अब अपडेट हो चुका है, और सैटरडे इस बार जब आपके पास पेपर आएगा तो साथ में एक लिंक भी आएगा जिसके थ्रू आप पूरे कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी अपडेटेड कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब जो नए स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं उनको न्यू लेटेस्ट कोर्स मिलेगा, करीब करीब कोर्स डबल अपडेट हो गया, यानी लास्ट ईयर तक जो कोर्स मिलता था उससे ऑलमोस्ट 2 times कोर्स हो गया है, यानी कोर्स पूरी तरह से अपडेट हो गया। इसके अलावा एक चीज़ मैंने और करी है जो मैं बताना चाहूँगा, क्लासरूम प्रोग्राम भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इस बार अभी हम लोगों ने क्या करा है, क्योंकि देखिए MCA जब हम कर रहे होते हैं प्रिपरेशन तो हमारा मैथ से टच खत्म हो जाता है। कई ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं आप में से जिनका कि 12th में या 11th में मैथ्स नहीं हो। इस बार सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ऑनलाइन स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो NIT त्रिची गए, हर एक कॉलेज में गए पर सोचिए NIT त्रिची ऑनलाइन वाले स्टूडेंट गए, और उसमें भी एक बच्ची ऐसी थी महिमा पांडे जिसका कि 12th में मैथ्स नहीं था और उसका भी NIT त्रिची में सिलेक्शन हुआ। ये आप अपने आप समझ सकते हो कि इतना अच्छा कोर्स बना था, जबकि ये पेपर अनएक्सपेक्टेड था तो भी ये सिलेक्शन हुए इतने अच्छे, तो इसका मतलब कि इस बार अपडेटेड कोर्स, रेगुलर टेस्टिंग्स, टेस्ट पेपर्स में जो जो चेंज किए उससे हम आने वाले समय में और अच्छा रिजल्ट देंगे। अभी अवार्ड सेरेमनी हुई है, उसकी मैंने एक पिक आपके साथ शेयर भी की थी। अभी मैं सारे बच्चों के साथ जो जो भोपाल आ गए थे काउंसलिंग के समय, उनके साथ जो सेशंस हुए थे वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जब आप वो सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस किस तरीके से, कुछ बच्चे फ्रेशर थे, कुछ ड्रॉपर थे, कुछ ऑनलाइन वाले थे, जो बच्चों ने भोपाल आके काउंसलिंग की वो सबके सेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और बाद में भी जो बच्चे आते जाएंगे वो सेशन आपके साथ रेगुलरली शेयर करूंगा। अब एक चीज़ तो आप सभी ओल्ड स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि आपको कोर्स अपडेशन के लिए इस बार परेशान नहीं होना है, टेस्ट पेपर के साथ जो लिंक आएगा उसके थ्रू आपको कोर्स अपडेट मिल जाएगा। एक और बात बोलना चाहूँगा कि इस लिंक के बाद इसी लिंक पे हम लोग रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इस बार मैं एक काम और करना चाह रहा हूँ आपके साथ जो आपके लिए बहुत ही डिफरेंट चीज़ होगी, वो एक्सपीरियंस भी आप फील करेंगे। तो आपको एक तो ये चीज़ है कि आपको कोर्स का अपडेटेड मिल जाएगा, साथ में उस लिंक पे जितना भी सिलेबस नया इस क्लास में कवर होगा वो भी हम करवाएंगे। जैसे जब पेपर टफ आता है तो टफ पेपर के लिए एक फाउंडेशन और स्ट्रांग होना जरूरी है, उसके लिए 9th और 10th के मैथ्स के टॉपिक भी यहाँ कवर किए जा रहे हैं, वो सेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका वो आपको रेगुलर अपडेशन में मिलता जाएगा। अब जैसे अभी क्लास में एक एंड पे चल रहा है बाइनोमियल थ्योरम और एक एंड पे हम लोग बेसिक पे वर्क कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम के वीडियोस क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, पर जो 9th-10th के हैं वो वाले पोर्शंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोग बताइएगा मुझे कि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, पर ये एक चीज मैं चालू कर रहा हूँ, यानी जितना भी नया पोर्शन इस बार हम कवर करेंगे उसका वीडियो भी आपको रेगुलर मिलेगा। इसके अलावा हमने संडे टेस्ट में एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है, वो है CBT। आप में से कई बच्चों ने, मैं क्योंकि मेरे से आप सबकी बात नहीं हो पाती, तो आप लोगों की मैडम से बात हुई होगी, आपने पूछा भी कि CBT क्या है। CBT का मतलब है कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट। इसमें जो हम आपको टेस्टिंग कर रहे हैं वो बहुत बेस लेवल पे कर रहे हैं, समझिएगा, ये चीज कई लोग नहीं सोच पाते। टफ पेपर का लिए बेस स्ट्रांग बनाना जरूरी है, तो ये कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट है जिसमें कि 8th-10th लेवल के मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको सेल्फ सॉल्व करना है, बट क्योंकि इन पेपर के डिस्कशन यहाँ पे होंगे तो इनके सॉल्यूशन वीडियो भी आपको मिलेंगे। यानी आप अगर गुरुकुल के साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, क्लासरूम वाले बच्चों को तो मिलता है, पर अगर आप ऑनलाइन जुड़े हैं तो आपको इस बार ये एडिशनल चीजें रेगुलरली मिलती रहेंगी, तो ये कहलाता है कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट। तो इस संडे को फिर से बाइनोमियल थ्योरम के साथ साथ कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट है। एक और चीज मैं बताऊंगा, कई पेपर इजी होते हैं कई टफ, अगर कोई पेपर बहुत ही बेसिक लेवल का तो हो सकता है उसका सॉल्यूशन वीडियो ना मिले,
पर पेपर कुछ भी टफ होगा या क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होंगे तो उसके आपको सॉल्यूशन वीडियो मिलेंगे। अभी तक इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि अभी तक सीनियर बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, उनके कॉलेज ये सब, अब उन सब का एक सेटलमेंट हो गया तो अब आपको रेगुलर चीज़ें मिलना चालू हो जाएगी। तो इसलिए आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको कहीं पे भी परेशान नहीं होना। अब नए स्टूडेंट की बात करता हूँ, जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको अब जो कोर्स मिल रहा है वो अपडेटेड मिल रहा है, पर बाद में ये जो चीज़ हम बनाते जाएंगे क्लास में ये भी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। इसलिए मिसगाइड मत होइए, इधर उधर मत भटकिए, पूरा अपडेटेड कोर्स मिलेगा। और सबसे खास बात, कोई कई लोग बोल सकते हैं कि कोर्स अपडेटेड इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस बार का पेपर जेई मेंस एडवांस लेवल का था और इम्पीटस गुरुकुल में ऑनलाइन कोर्स में जैसे एमसीए का कोर्स पॉपुलर है उससे भी कई ज़्यादा आईआईटी का कोर्स पॉपुलर है, तो वो कोर्स ऑलरेडी बना हुआ था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अपडेशन में और तुरंत उसको अपडेशन कर दिया। इसलिए अगर आपको कोई ये बोलता है तो वो गलत बोलता है। जब आप लोग, मैं बिल्कुल श्योर हूँ अगर आपके पास कोर्स है तो आपको पता है कि क्या चीज़ है। और लास्ट ईयर जो कोर्स था बच्चों के पास उस कोर्स से ही सिलेक्शन जब इतने अच्छे हुए तो इस बार लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स है तो वो चीज़ मिलेगी। अच्छा, अब बात आती है कि पढ़ें कैसे। अब मुझसे, मैंने लास्ट ईयर तक मैं हमेशा बोलता था जो बच्चे 2 साल बाद या 3 साल बाद एग्जाम देने वाले उनको बोलता था आप पढ़ो इस साल ऐसे कि आपको इसी साल एग्जाम देना, पर इस बार मैं नहीं बोलूंगा। इस बार मैं 20 और 21 वालों को बोलूंगा कि अभी आप लोग, अगर आपको 21 या 22 में एग्जाम देना है, 21-22 कर देते हैं, तो मैं आपको एक चीज सलाह देना चाहूंगा कि इस साल आप लोग बेस बुक पे वर्क करो, यानी 11th 12th की जो सब्जेक्टिव आरडी शर्मा की बुक है पहले वो करिए। अब आपने जो क्वेश्चन और पूछे थे वो बताता हूँ कि फिर सर आप जो एडिशनल पेपर भेजते हैं उसका क्या करें। नंबर वन, लास्ट ईयर की जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज को इस साल चेंज कर दिया, हर साल ही हम लोग काफी चेंज कर देते हैं, तो अगर वो टेस्ट आप दे पाते हैं तो ठीक है, नहीं दे पाते तो भी प्रॉब्लम नहीं, पर आपको अभी कंसेप्ट बिल्ड पे ध्यान देना है और एक एक टॉपिक को धीरे धीरे करना है। दूसरा, आपको सभी को 9th और 10th की बुक को भी पूरा पूरा करना है, इसलिए आप एक एक टॉपिक को धीरे धीरे करते चलें। और बिल्कुल परेशान नहीं हो, अगर आपको टेस्ट नहीं बन रहा है तो आप उन टेस्ट को ना दें, हो सकता है अगर आप लोग मुझे सजेशन देंगे तो हो सकता है मैं आपको फिर टेस्ट पेपर्स के बेसिक वाले पार्ट भेजूंगा। अब बात करता हूँ जिनको 19-20 में एग्जाम देना है। अब इसमें दो तरह की कैटेगरी, एक वो जो फाइनल ईयर में है, एक वो जो ड्रॉप ले रहा है जिसकी अच्छी रैंक नहीं आई है। आप लोग समझिए कि अगर आप निमसेट का प्रिपरेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम का प्रिपरेशन होता है, फिर चाहे वो JNU हो, चाहे BHU हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो आपको हर एक चीज को बहुत बेस बिल्ड के साथ कवर करना है। तो 9th एंड 10th के, ये 2021 वालों के लिए भी है, 9th और 10th के बेस टॉपिक को कवर करना है। अभी हम लोग बेस टॉपिक में सबसे पहले कवर कर रहे हैं पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये वाले पोर्शंस को कवर कर रहे हैं। फिर 9th 10th का ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे, तो ये जो सेशन क्लास में होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप समझ पाएंगे कि उससे पढ़ना कैसे, बहुत कम समय में 9th 10th की बुक कवर होगी। दूसरी बात कि आप लोग मान लीजिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने एक बुक करी आरडी शर्मा की सब्जेक्टिव, फिर आपने इसी की ऑब्जेक्टिव करी, फिर उसके बाद हो सकता है आप सेल्फ स्कोरर करें। अब इन तीनों में आप में से कुछ लोगों ने जो क्वेश्चन मैडम को पूछे थे वो बताना चाहूंगा, आप एक एक बुक के ऑर्डर में करें। आप लोगों में से कुछ लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं कि संडे को क्योंकि टेस्ट आता है आपके पास तो आप सोचते हो कि ऑब्जेक्टिव बुक भी कर लें, सब्जेक्टिव पूरी नहीं हुई, इसमें ना तो आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस आएगी ना आपके कंसेप्ट बनेंगे। तो आपको ये बोलना चाहूंगा भले ही संडे टेस्ट आता है, क्योंकि इस बार हम टेस्ट के रिपीटेशन काफी रखेंगे और जो जो टॉपिक हो गए वो बीच बीच में मिलते रहेंगे, सरप्राइज मिलेंगे, कई बार बताऊंगा भी नहीं आपको। तो आप ये ध्यान रखिए कि पहले आप सब्जेक्टिव बुक को बहुत अच्छे से करिए, एक एक क्वेश्चन पूरे करिए, इस बीच में ऑब्जेक्टिव बुक ना करें तो अच्छा, भले ही आपको संडे टेस्ट देना तो भी। और जब एक बार सब्जेक्टिव हो जाए तो आरडी शर्मा के ऑब्जेक्टिव या यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर एररलेस, इसमें से कोई भी एक बुक के सारे क्वेश्चंस कवर करें। एक बात, एक समय में आपको 9th 10th और ऐसे करना है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों ने बोला था आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले कर ली, इस बार आपने, तो इस बार थोड़ा सा ऑर्डर बदला है, पर उससे आप कंफ्यूज मत होइए। आप इज इन बिटवीन, क्योंकि आपके पास पूरा कोर्स होता है तो आप सेट थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, ये सारी चीजें कर लें। 8 जुलाई से हम लोग एक नया बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी कई सारे बच्चे आने वाले हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप में से जो लोग अभी अभी जुड़ते जा रहे हैं वो 8 जुलाई वाले बैच को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम सफिशियंट है। अभी 11th मंथ है हमारे पास, ये 11th मंथ को अगर आपने बहुत ही सिस्टमेटिक से पढ़ाई की तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट जो जुड़ते जा रहे हैं उसमें से कुछ बच्चों को, जैसे मैंने बोला था, आप 1 वीक चाहें तो भोपाल इसलिए नहीं आना है कि क्या है, वो इसलिए कि एक एटमॉस्फेयर होता है, बच्चे हैं सुबह से रात तक पढ़ते हैं, कैसे बेस बिल्ड करते हैं, कैसे बुक सॉल्व करते हैं। क्योंकि जो इस बार ऑनलाइन वाले बच्चे थे जब टेस्ट सीरीज में आए तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि सर हम लोग
ऑनलाइन कोर्स में जब जुड़े थे तो जब कभी 2 घंटे या 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते थे तो ऐसा लगता था बहुत पढ़ लिया, पर जब भोपाल टेस्ट सीरीज देने के लिए आया जब पता चला कि नहीं हमें 8, 10, 12 घंटे पढ़ना है। तो इसलिए आप में से अगर किसी को ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन करने के बाद ऐसा अगर आप कम पढ़ पा रहे हैं या आपको पढ़ने की टेक्निक समझ में नहीं आ रही तो आप 1 वीक के लिए आके भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आप ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूरा आपको मैडम समझा देंगे कि क्या प्रोसीजर रहेगा। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि एक एक टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते चलिए। अब आपको ये CBT लगभग अगले 2-3 महीने मिलेंगे, ये आपके बेस बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा एलजेब्रा के टॉपिक्स आपको मिलते जाएंगे। 9th-10th में मैंने जैसे बताया पहले हम एलजेब्रा कवर करेंगे, फिर 9th-10th की ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे, फिर मेंसुरेशन। ये टॉपिक्स को आप भी अपने लेवल पे कवर करें और फिर जब यहाँ पर जैसे जैसे क्लास होती जाएंगी वो मैं क्लास आपके साथ शेयर करता चलूंगा तो आप उनको देख के समझ सकते हैं कि कैसे पढ़ना है। अब भी कोई अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे भेज दें, मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेफिनेटली दूंगा। और इस संडे का टेस्ट है कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट एंड बायनोमियल थ्योरम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।